قرآنا عربيا وهدانا صراطا سويا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ما زارع منهم في كل مستدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أخدا وسل حنينا وسل بدرا وسل أخدا فصول خطف لهم أدهى من الوخم مسلمارا بزرگی در جہاد است مسلمانا مرائی اعتقاد است نہ گفتم ایز خود گفتم ز قرآن نہ گفتم ایز خود گفتم ز قرآن مرابر گفتہ حق اعتماد است محمد مصطفی در غار دیدی و دیگر وقت در پہ کار دیدی تو ہم از غار خود تشریف آور چو از سوراخ بیرو مار دیدی تمی تو فاتح ایران و روم و شام و خیبر تھے تمی تو فاتح ایران و روم و شام و خیبر تھے تمہارے حوصلے کتنے بلند اللہ اکبر تھے تمی میں سے تو صدیق و عمر عثمان و حیدر تھے تمی میں سے تو صدیق و عمر عثمان و حیدر تھے مقلد اہل باطل کے ہو یا عالم کے رہبر تھے مسلمانوں اٹھو بحر عمل تیار ہو جاؤ مسلمانوں اٹھو بحر عمل تیار ہو جاؤ نہیں یہ وقت غفلت کا بس بیدار ہو جاؤ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
मुअज्जज़ व मुकर्रम बरादरान इस्लाम, अल्लाह जल्ल शानहु का फजल और एहसान हुआ, अल्लाह ताला ने हम सबको एक अहम फरीज़ा की अदायगी के लिए मस्जिद में जमा होने की तौफीक अता फरमाई। इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। मुबादा के वो वक्त आ जाए कि हम अल्लाह के अहकामात को पूरा करना चाहें लेकिन पूरा न कर सकें। अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करेंगे, अल्लाह ताला नेमतों में इजाफा फरमाएंगे। आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला का मेहमान हमारे पास आया, अभी हमसे रुख्सत हो रहा है, इससे अब मुलाकात क़यामत के दिन होगी। हर गुज़रने वाला दिन जब गुज़र जाता है वो वापस नहीं आता, और उससे मुलाकात अब क़यामत के दिन होगी। अच्छा किया वो भी सामने आ जाएगा, बुरा किया वो भी सामने आ जाएगा, अच्छाई बुराई सब इंसान वहाँ देख लेगा। अच्छाई वालों को हिरस होगी और वो कहेंगे हम और मेहनत करते तो इससे भी और मकाम पर पहुँचते। बुराई वाले और जालम अपने हाथों को काट काट के खाएंगे, लेकिन उस वक़्त अपने हाथों को काटना कोई फ़ायदा नहीं देगा। अल्लाह ताला इन बाकी अय्याम की हम सबको कदर की तौफीक अता फरमाए। पहले दिन तो मुझसे गफलत में चले गए, और जो कुछ करना चाहिए था उसका अशर अशीर भी ना हो सका। आइंदा दिन जो बाकी एक हफ्ता रहता है, अल्लाह ताला पूरे उसूल ज़ाब्तों और कायदों और रमज़ानुल मुबारक की कदर व कीमत पहचान कर और इसे कीमती बनाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। गुज़श्ता जुमा 17 रमज़ानुल मुबारक आपने बदर के हवाला से कुछ न कुछ गुफ्तगू सुनी, लेकिन उसी आयत से आज भी आगे चलना चाहूँगा। बदर वालों का शुक्रिया अदा करते हुए कि बदर वाले हम मुसलमानों को जीना सिखा गए। जो बदर को न समझ सके याद रखदा, वो न जीना समझ सकता है और न मरना समझ सकता है। जीना भी वो जानता है जिसको बदर वालों ने अपने सामने हमारे सामने एक नक्शा पेश करके गए। मरना भी वही जानता है जो बदर वाले सिखा गए हैं। तो अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की इन आयतों के अंदर उसी बदर का नक्शा खींचा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कद कान लकुम, तुम्हारे लिए क्या है आयतुन, निशानी है। किस बात में? फी फयातैन, ये असल में यहूदियों ने उस वक़्त ताने देने शुरू कर दिए थे। आज मैं हैरान हो जाता हूँ जब मुसलमान यहूदियों की तारीफ करता है, आज हैरत के झटके उस वक़्त लगते हैं जब यहूदी को हम अपना दोस्त समझना शुरू हो जाते हैं, और जब यहूदियों के सामने अपना सर झुका देते हैं। हमें चाहिए था, जो यहूदी अजल से हमारा दुश्मन है, कुरान ने उसकी दुश्मनी को खोल खोल के बयान किया है, लेकिन क्या आज आवाम, क्या हुक्मरान, हम सारे उनके ग़ुलाम बनते जा रहे हैं। हर आने वाला दिन हमें उनकी ग़ुलामी में मज़ीद पुख्ता कर रहा है। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मुसलमान आवाम भी और मुसलमान हुक्मरान भी यहूदी की आंखों में आंखें डाल के कहेगा। उस दिन एक साथी कहने लगा, कोई चीज़ भेज दी और कहा कि देखो एक साहिब ने सवाल किया है कि जी यहूदी वहाँ पहुँच गए और ईसाई वहाँ पहुँच गए और मुसलमानों को देखो, हमारे नबी भी सबसे आला थे। मैंने कहा यहूदी ऊपर नहीं गया, उन्हें मिसाल से मैंने समझाया ये कोई सवाल नहीं है, सवाल होता तो हम जवाब देते, लेकिन ये कोई सवाल नहीं है, तेरी सोच का फ़र्क है। मैं इस मंजिल में हूँ और एक आदमी नीचे मंजिल में सामने खड़ा है,
अब वो वहां से ऊपर नहीं आया, वहीं खड़ा है। मैं यहां से उतर कर नीचे नहर के किनारे चला जाऊं तो क्या वो ऊपर आया या मैं नीचे गया? वो ऊपर नहीं आया, मैं नीचे चला गया हूँ। मैंने अल्लाह के अहकामात को छोड़ दिया है, मैंने नबी के तरीकों को छोड़ दिया है। मुझे बता मुल्क के तूल व अर्ज में कहाँ नबी की सुन्नतों पे 100% अमल होता है? मुझे बताओ मुल्क में कहाँ अदालतों में कुरान के अहकामात के मुताबिक फैसले दिए जाते हैं? तो फिर यहूदी तो ऊपर नहीं गया, हम नीचे चले गए हैं, अपना इल्ज़ाम हम किसी और को क्यों दें? इसलिए उस वक़्त यहूदियों ने ताना दिया कि देखो ये तो जी मक्का वाले थे और मुशरिक थे, उनसे तुम लड़े और जीत गए, अगर तुम हमारे साथ मुकाबला करते तो समझ आती कि क्या होता है। तो अल्लाह ताला ने यह आयत नाजल कर दी, फी फियातैन, उन दोनों में आमने सामना हुआ, दोनों आपस में आके मिले और मैदान बदर में उनका क़िताल हुआ। अब दोनों की लड़ाई, लड़ तो दोनों रहे, दोनों की लड़ाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फियातन, एक जमात गुरोह तो कातिल फी सबीलिल्लाह, उनकी लड़ाई अल्लाह के रास्ते में है, अल्लाह के लिए है, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए है। आज बहुत सी लड़ाइयाँ हम लड़ते हैं, पूरे मुल्क में लड़ाइयाँ हो रही हैं, किसी ने उन पर उंगली ना उठाई। कहीं सिंधी बलोची लड़ रहा है जी, कहीं पठान और पंजाबी लड़ रहा है, कोई रोकने के लिए तैयार नहीं। उनकी लड़ाइयों पे कोई ताकशो नहीं होते, उनकी लड़ाइयों पे किसी को गैरत नहीं जागती, लेकिन इस्लामी लड़ाइयों पे पेट में मरोड़ उठना शुरू हो जाते हैं। आज सारी दुनिया लड़ी तो रही है ना, क्या नहीं लड़ रही? लड़ तो रही है, लेकिन ये लड़ाई पेट के लिए है, ये लड़ाई कुर्सी के लिए है, ये लड़ाई ओहदे के लिए है, ये अल्लाह के लिए नहीं लड़ रहे। अल्लाह के लिए लड़ते तो कुछ नक्शा कुछ और होता। आज लड़ तो हम रहे हैं, सारे लड़ रहे हैं, मियाँ बीवी भी लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे। तो मेरे पास एक हफ्ता गुजार के देखो तुम्हें मैं कहानियाँ इस मुल्क में लोगों की सुनाऊँ और देखो अपनी आंखों से कि मेरे पास क्या क्या मसाइल आते हैं। सारी दुनिया लड़ रही है, भाई भाई लड़ रहे हैं जी, बहन भाई लड़ रहे हैं, माँ बाप और माँ और बेटा लड़ रहे हैं, माँ और बेटी लड़ रहे हैं। लड़ तो सारी दुनिया रही है, लड़ाई लड़ाई में फर्क है। तो कातिल फियतन तो कातिल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के लिए लड़ने वाले कहाँ चले गए कि अल्लाह के लिए लड़ाई होती? हमारी लड़ाई अल्लाह के लिए। और दूसरा वोखरा, और दूसरी जमात, दूसरा गुरोह काफिरा, वो काफरों की जमात है। यरौनहुम मिसलैहिम, वो दूसरी फौज काफरों की, वो काफर मुसलमानों को अपने से दुगना देख रहे थे। अब नजर आ रहे हैं उनको, फरिश्ते भी मदद को उतर आए हैं, अब नजर आ रहे हैं, दुगने नजर आ रहे हैं। और इस पर मैंने कुछ तफसील गुज़श्ता जुमा कर दी, आगे निकलना है मैंने आयत का तर्जुमा करके आगे। बज़ाहिर देखने में वो दुगना नजर आ रहे हैं, आंखों से देखने में। वल्लाहु युअय्यिदु बिनसरिही मन यशा, अल्लाह ताला ताईद करता है, कुव्वत अता करता है अपनी मदद के जरिए जिसकी चाहता है, जिसकी चाहे उसकी मदद कर लेता है। इन नफी ज़ालिक, बेशक इसके अंदर यहां बता दिया अल्लाह ने कि असले की बात नहीं है, जोर की बात नहीं है, ताकत की बात नहीं है, फौजियों की बात नहीं है कि फौज ज्यादा होगी तो जीत जाएंगे और तुझे दूसरे पारे का आखर भी पढ़ना। जालूत और तालूत की फौजों को देख, कौन ज्यादा है कौन कम है, कामयाब कौन होते हैं नाकाम कौन होते हैं। ये एक मिसाल नहीं कुरान में, तुझे सैकड़ों मिसालें मिल जाएंगी। कसरत से कामयाबी नहीं है, ईमान से कामयाबी है। हमने समझा कहीं कसरत होगी हम कामयाब होंगे। आज जितने कुव्वत में आज हम हैं, 71 में इतनी कुव्वत के अंदर थे, पेट के अंदर इतनी कुव्वत थी, नहीं समझ आ रही बात? काश के कौम को समझ आए। 71 में हमारे पास एटम बम था, मुल्क के ये हालात थे जो आज हैं, पेट में हमारे पास एटम बम था,
ये हालात थे जो आज तिगनी का नाच नहीं नचवा दिया था हिंदुओं को, वो क्या थी? वो कुव्वत ईमानी थी। आज हमें जिंदगी से प्यार हो गया, हुब्बुल हुब्ब दुनिया व कराहियतुल मौत, आज हमें मौत से नफरत हो गई, आज हमें जिंदगियों से प्यार हो गया, इसलिए चूहे से भी डरते हैं, छिपकली से भी डरते हैं। उसकी वजह यह है, मैं यहूदियों को हिंदुओं को मैं चूहा और छिपकली न कहूं तो क्या कहूं। आज उनसे भी हमें डर लगता है जो कभी मुसलमान का नाम सुन के उनके वजू टूट जाते थे। आज मुसलमान की वो गैरत कहाँ चली गई? कुव्वत तो आज तुम्हारे पास ज्यादा है, F-16 भी है, एटम बम भी है, सारा कुछ है, पता नहीं गोरी और फलाने और फलाने, ये गजनवी मिसाइल भी है। गजनवी की सिर्फ मिसाइलों के नाम रखने से कामयाब नहीं होंगे, गजनवी वाली ईमानी जरूरत पैदा करनी पड़ेगी। गोरी की सिर्फ नाम रखने से कुव्वत नहीं आएगी, गोरी वाली ईमानी कुव्वत चाहिए। अगर काफरों पे हमें गलबा चाहिए तो फरमाया अल्लाह तो मदद उसकी करता है जिसकी चाहे मदद करता है, जो उसके रास्ते में लड़ते हैं। इन नफी दालिक, बेशक इसके अंदर लेबरा हिबरत है, ले उलिल अबसार आंखों वालों के लिए, लिज़विल उकूल वल बसाइर किसके लिए? जिसके पास अकल भी हो आंख भी हो, देखने वाली बीनाई वाली आंख। तुम साहिब रूहुल बयान कहते हैं आकल पर ये लाजम है, यातबर बिल आयात, इन आयात से इबरत पकड़े। कुरान सिर्फ बस मैंने एक जमाने से कह रहा हूँ, सिर्फ स्वाबाद से पढ़े स्वाब मिल रहा है। हमने दुनिया पे गलबे के लिए कुरान थोड़ा ही पढ़ा है, हम दुनिया में गलबे के लिए उनके उलूम पढ़ रहे हैं कि हम गालब आ जाएंगे, नहीं, उनके उलूम पढ़ने से हम गालब नहीं आएंगे। आओ ना कहा, जितने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां आ जाए, 1947 में थी, बोल ना, फिर गालब उस वक्त आ गया था, पेट में आ गया था, 71 में आ गया था, आज क्यों नहीं है? ये कॉलेज यूनिवर्सिटियों की बात नहीं है, जो तालीम अल्लाह ने कलबे के लिए आसमान से उतारी थी उस तालीम से हमारा रिश्ता टूट गया है। जो नबी उलूम थे उनसे आज हम वो अपनाते हुए हमें शर्म आती है। सच्ची बात है कि नहीं? सच बताओ, नबी उलूम अपनाते हुए हमें शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे? अंग्रेजी बोलो जरा जी, यहूदियों के उलूम बोलो। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मुझे आपको समझ अता करे, आप इन आयतों से इबरत पकड़े। और वला यगतर बिकसरत अलआदा, दुश्मन की कसरत से कभी धोखा न खाए। और फिकर मिनल अमवाल वल औलाद, और ये न कहे अब अपनी तादाद ज्यादा हो जाए, बड़े फौजी मुचन में कामयाब हो जाऊंगा। तो 1000 क्यों नहीं कामयाब हुए 313 के मुकाबले में? सिर्फ 8 तलवारें हैं इनके पास और 6 जरे। उधर मुकाबले में क्या है, इधर क्या है? जीत कौन रहा है, हार कौन रहा है? ये दुनिया को एक नक्शा बता दिया, अपनी तादाद की कसरत से धोखे में ना आना, माल की कसरत से भी धोखे में ना आना, औलाद की कसरत से भी धोखे में ना आना। लिहाजा गौर व फिक्र करना, अल्लाह ताला मुझे आपको समझ अता करे। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते मुझे तुझे, इस आयत पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं लेकिन मैं आगे ले जाऊं। ज़ुय्यिना लिन्नास, अल्लाहु अकबर, लोगों के लिए मुज़य्यन कर दिया। क्या कर दिया? खुशनुमा कर दी गई लोगों के लिए, मुज़य्यन कर दी गई लोगों के लिए। क्या चीज? ए हुब्बु शहवात, मरहूब चीजों की मोहब्बत, मरहूब चीजों की मोहब्बत हमें मुज़य्यन कर दी गई। अल्लाहु अकबर। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया वज़य्यन्ना लहुम आमालहुम, हमने उनके आमाल उनके लिए मुज़य्यन कर दिए। सूद अच्छा लगता है, सूद
وہ سود چھوڑا تو مر گئے سن پوکے مر گئے سن اب وہ سود کو اچھا سمجھ رہا ہے لڑکیاں نچانی اچھی سمجھ رہا ہے فلم ڈرامہ یہ بدماشیاں اچھی سمجھ رہا ہے شراب اچھا سمجھ رہا ہے وہ اعمال اسے اچھے نظر آتے ہیں حقیقت میں وہ اچھے منقش سانپ ہو نا پھل چڑیاں والا سانپ سانپ ہوتا ہے بظاہر دیکھنے میں بڑا اچھا نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر میں کیا ہوتا ہے آج یہ دنیا کے گناہ ہمیں دیکھنے میں اچھے نظر آتے ہیں لیکن اس کے اندر میں زار ہے زار اللہ اکبر اور اللہ خود مزین کر دیتے ان کے لیے اعمال اللہ نے اپنی طرف نسبت کی یہ ہے اصل امتحان امتحان کے لیے میں ایسا کرتا ہوں تاکہ امتحان ہو جائے دسترخوان پہ تو سارے ہی یار ہوتے ہیں یاری کا پتہ تو مشکل میں پتہ چلتا ہے نا دسترخوان پہ تو اپنے پرائے سارے ہی دوست ہوتے ہیں دشمن بھی دوست ہوتے ہیں جی دوستی اور یاری کا پتہ تو مشکل حالات میں پتہ چلتا ہے اس پر بھی بڑی مثالیں ہیں لیکن نہیں جاتا ادھر او ہوا شیطان یا شیطان ان کے لیے مزین کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان اے فزین لہم الشیطان اعمالہم شیطان ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیتا ہے اور یہ کس کے طور پر ہوتے ہیں علی جہت الوسوسہ وسوسے کے طور پر ہوتا ہے کس کے طور پر وسوسے کے طور پر ہوتا ہے اس کو یوں سمجھ لیں ایک آدمی چشمہ پہنے اس میں اگر شیشہ سبز ہو تو سفید بھی کیا نظر آئے گا بولو سفید بھی سبز نظر آئے گا پیلا بھی سبز نظر آئے گا اینکوں کا شیشہ اگر سرخ ہو تو پھر سفید بھی سرخ نظر آئے گا پیلا نیلا جو بھی رنگ ہو سارے کیا نظر آئیں گے سرخ نظر آئیں گے مجھے تجھے شیطان ہماری آنکھوں کے سامنے وسوسے کی پٹیاں اور وہ شیشے ڈال دیتے ہیں جس سے ہم ان چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ اچھے نہیں ہوتے حب الشہوات مرغوب چیزوں کی محبت من النساء عورتوں میں سے پہلی چیز کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت اور ان میں کیا ہے مثلا پہلے سب سے پہلے عورتیں اب یہاں ایک بات سمجھنا اللہ اکبر یہ جتنی چیزیں آ رہی ہیں ان چیزوں کے ساتھ ایک محبت فطری ایک محبت غیر فطری فطرتاً ان چیزوں کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے یہ فطری محبت ہے فطرت کے دائرے کے اندر رہ کے چلیں گے فائدہ ہی فائدہ ہے فطرت کے دائرے سے نکل جائیں گے تو نقصان ہی نقصان اب عورتوں کی محبت ڈال دی دوسری طرف دیکھیں عورتوں کی تعریف میں احادیث رسول قرآن کی آیتیں موجود ہیں اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیں ہوا بہت اچھی چیز ہے رہا یہ ہوا آکسیجن نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہیں گے لیکن یہ اعتدال پہ چلے تو بہت اچھی ہے یہی ہوا تیز ہو جائے تو یہی ہوا ہی ہے نا تیز ہو جائے اب چونکہ میں جو بات کہنے لگا ہوں لوگ بات پوری تو سمجھتے نہیں نا آگے بتنگڑ بن جاتے عورتیں سنے گی کہیں گے ہماری توہین کر لی اس لیے میں بات سمجھانے لگا ہوں ہوا بہت اچھی چیز ہے لیکن اعتدال سے چلے تو بہت اچھی ہے اعتدال سے زیادہ ہو جائے تو بولو پھر نقصانی ہے کہ نہیں ہے آندھی چلے طوفان چلے جی گھروں کی چھتیں اڑا دیتی ہے بڑے بڑے سائن بورڈ گرا دیتی ہے اور چادر چھت کو چادریں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہے تو وہی ہوا لیکن اعتدال سے بڑھ گئی نقصان کا ذریعہ بنی پانی انسانی زندگی پانی پر منحصر ہے یہی پانی اعتدال سے چلے تو ہماری زندگی کا ذریعہ ہے یہی اعتدال سے بڑھ جائے تو پھر کیا ہے پھر ہماری موت کا ذریعہ بھی یہی بن جائے گا پانی اعتدال کے اندر رہے تو ٹھیک ہے فائدہ دے گا اعتدال سے بڑھ جائے نقصان دے گا اسی طرح عورت کے ساتھ دوسری چیز والبنین اولاد کے ساتھ محبت فطری چیز ہے یا اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ فطری محبت کرو حد کے اندر رہو تو یہ چیزیں بڑی فائدہ مانیں حد سے گزر جاؤ گے تو یہی چیزیں گمراہی کا سبب بن جائیں گی انسان کو گمراہ بھی یہی کریں گے
औरत गुमराह कर देती है, औरत नेक हो तो उसकी तारीफ की है ना, औरत जिसकी तारीफ आज औरत ने हो जी यूं कहा इस्लाम नहीं, तो औरत की जो तारीफ की हुजूर ने फरमाया दुनिया मता, दुनिया मता है वखैरु मताया अल मरअतु सालिहा, नेक औरत यहां की मताए कीमती है। ये नहीं कहा नाचने वाली है, गाने वाली है, चेहरा नंगा करके हजारों मर्दों के सामने आने वाली है, औरत की इज्जत है लेकिन अल मरअतु सालिहा की है, मरए फाहिशा की इज्जत बता कहां लिखा है वो हमें बताओ। औरतों औरतों में फर्क है, औरत की इज्जत है, औरत का माना क्या है, औरत की इज्जत है ना, किसकी इज्जत है, औरत की, जो औरत हो घर में रहे पर्दे में रहे छुपी हुई रहे इज्जतमंद है, जो औरत ना रहे जी नंगी हो के सामने आ जाए कहां लिखा है उसकी इज्जत है, वो बता हमें वो जगह बताओ खुदा के लिए, औरत मुअज्जज है, औरत की तारीफ मेरे तेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, लेकिन किन औरतों की, किन औरतों की, सूरह तौबा में औरतों की तारीफ आई किन औरतों की, सूरह अहज़ाब में औरतों की तारीफ आई किन औरतों की, ये भी बताओ ना, आदि बात करोगे नुकसान होगा, औरत और औरत की कदर करो, औरत बताना कहां है औरत, मुझे तो औरतें नजर नहीं आ रही, ये तो लोंडियां हैं बाहर फिर रही, आप बतंगड़ बन जाएंगे यहीं आ गया, क्यों जिस लिबास में ये फिरती हैं, इस्लाम जब उरूज पे था ये लिबास लोंडियों का हुआ करता था आजाद औरतों का नहीं, आजाद औरत का ये लिबास नहीं है, आजाद औरत का लिबास कुछ और होता था। अल्लाहु अकबर वल बनीन, ये चीजें फितरत में रहें हमें फायदा देंगी, फितरत से निकल जाएगी हमारे लिए नुकसान करेगी। औलाद की वजह से आदमी फितरी मोहब्बत हो फबेहा, इसी औलाद की वजह से हराम कमाता है ये नहीं बोलना, और वल फितना भी हिम, इनके जरिए औलाद के जरिए फितना, अन्न रजल या फरुष बिसबा में हिम, हैरस करते हैं इनकी वजह से, हरीफ क्यों, औलाद की वजह से, हदीस मुबारक का भी है, और हुजूर ने फरमाया ये औलाद इंसान को क्या बना देती है जी, बुजदिल भी बना देती है, बखील भी बना देती है। ये कब फरमाया जी, मुख्तलिफ मौके पे हसन और हुसैन को उठा किसी ने से कहा औलाद ऐसी चीज इंसान को बुजदिल भी बना देती है और इंसान को बखील भी बना देती है। अब ये औलाद अल्लाहु अकबर, और इनकी वजह से आदमी जमा करते हैं माल चाहे हलाल हो हराम हो, और वलअन्नहुम यमनउनहु अन मुहाफजति हुदूदुल्लाह, इनकी वजह से अल्लाह की हुदूद से आदमी आगे पीछे हो जाता है। औलाद के लिए ना अजरे को सुनो क्या था जी, औलादियत से कुछ बढ़ाने हैं आराम कर दें, हराम बना रहे औलाद के लिए, ये औलाद तेरे लिए बबाल जान बनेगी, औलाद बबाल बनेगी ये औलाद। हवा फायदा मंद है ये जहन में रखना, जो शुरू में मैंने उसूल आपको दिया तेज हो जाए तो वही नुकसान का जरिया है। बीवी की मोहब्बत औलाद की मोहब्बत बड़ी जबरदस्त शे है, आदमी को फायदा देगी लेकिन ये हद से जब बढ़ जाएगी यही इंसान की हलाकत का जरिया बनेगी। वो बीवी हलाकत का जरिया है, वो औलाद हलाकत का जरिया है। वल कनातीर अल मुकंतरा, तीसरी चीज गिनी अल्लाह ने, और माल ए जमा किंतार है, वह अल माल अल कसीर, बहुत सारा माल और ढेर जमा किए हुए माल के, अल्लाहु अकबर, और वो माल किसका है, मिन अज़्ज़हब वल फिज़्ज़ा, सोने और चांदी जमा कर लिए, जमा कर लेते। जैसे उस दिन किसी ने शायद आपको जुमे में बताया या नहीं दरस में बताया होगा, एक साहब फोन आया जी ज़कात इतना 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 सोने इतने तोले ज़कात कितनी बनती है, मैंने बता दी इतनी बनती है, इतनी ज्यादा, मैं वीरा
वो सारा सोना मुझे भेज दे, अल्लाह की कसम तुझ पे एक रुपया ज़कात नहीं, बिल्कुल एक रुपया नहीं होगी, मुझे दे दे। ये जिसके पास माल और दौलत और ज़कात देते हुए डरता है बेचारा, ये सारा माल, ये जमीन जायदाद गड़ियां कोठियां, हाँ जी कारोबार मेरे मुझ फकीर के नाम कर लो, मैं जानू ज़कात जाने अल्लाह की कसम तुमसे एक रुपये का ना दुनिया में मुतालबा होगा ना आखरत में होगा। जमा कर दिया मैं, मुझे अच्छी लग दी है देने, पहले अल्लाह ने 40 मेरे जेब में डाले फिर आगे रुपया दे बेचो, 40 डाले फिर कहा है एक रुपया दे दे, 40 में से रुपया मांगा है, 100 में 2.5 रुपए मांगे हैं, और बनी इसराइल पे 100 में कितनी ज़कात थी पता है, 5 रुपए। आज उसने बहन हो जो बनी इसराइल है जे आसे थे जे आसे, बनी इसराइल में 100 रुपए पर 25 रुपए क्या थी ज़कात थी, निसाब पूरा होने के बाद मुझे तुझे 100 में से कितना मांगा जा रहा है, 2.5 रुपए वो भी देने हम होता नहीं है, तो वो जरा 100 बाकी जरा 97.5 वो हमें दे दे, अल्लाह की कसम तुझ पे नहीं आएगी ज़कात, 100 मुझे दे दो, अल्लाह ने दिया इसलिए ज़कात है, ज़कात देते हुए जी दिल छोटा नहीं करना चाहे, अल्लाह ने दिया है बल्कि दिया करो और कहा करो अल्लाह और दे मैं और ज्यादा दूं, दिल छोटा करोगे अल्लाह खींच ले लेंगे ले लेंगे ले लेंगे। यहाँ शायद वो नौजवान हो के ना एक दफा मेरे पास आया, मुझे कहते शाह साहब मसला पूछता, मैं पूछो अल्लाह ऐसे जवान हमें अता फरमाए, कहते हजरत ज़कात का मसला है, कितने माल पर ज़कात है, मैंने उसे निसाब बता दिया इतने माल, कहते जी मेरे पास 200 रुपये आए या 500 रुपये, उसने कहा खास साहब अरसा गुजर गया जेन में नहीं, 200 या 5, मैंने कहा यार 200-500 पर ज़कात नहीं है साहिब, निसाब बनोगे जी तब जाके ज़कात आएगी, 52 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना या इनकी मालियत, इतने बनोगे तो साहिब निसाब बनोगे, उसके बाद फिर तुझ पर ज़कात आएगी। कहते न जी मना दिल आस्ते में देवा, महदे 200 रुपये में 5 रुपये, जब निसाब पूरा हो जाए तो फिर जी नतीजा अर्जल के ताबे होता है ना, ये मंतक का एक उसूल है, नतीजा अर्जल के तो सबसे छोटा निसाब हम 200 रुपये लगाएंगे, 5 रुपये 200 में, कहते हैं जी बहुत अच्छा दे दिए निकाल, ए जी ज़कात है क्या नाम अच्छा। साल गुजर गया, साल के बाद मेरे पास आया, मुझे कहते हैं हजरत शाह साहब मैंने कहा जी ये पैसे कुछ दिए मुझे ना ज्यादा दिए, ये क्या है ये ज़कात है जी, भजनी ज़कात, और मजे की गल दसा तुझे को पिछले साल ज़कात दी है पूरा साल जिब खाली बदते रेन कटते तो करके देख अल्लाह के साथ सौदा करके देख, मैं हैरान उस वक्त होता हूं, और इस्लाम ने निजाम ऐसा दिया इस निजाम में किसी को भूखा नहीं रहना चाहिए, लेकिन क्या करे हम अंग्रेजों के ऐसे गुलाम हुए कि तर्ज हुक्मरानी भी अंग्रेजों से ले रहे, तर्ज हुक्मरानी अल्लाह रसूल ने दी, मदीने की रियासत में रात को भूखा कोई नहीं सोता था, बल्कि ऐसा भी होता था बाज दफा अगर लेके जाते तो अगला कहता था मुझे जरूरत नहीं दूसरे को दे दो, ये हालात अब भी हो सकते हैं अगर हम सही माना में निजाम और कायम कर दे, और पैसे को उसकी ये हुकूमतें टैक्स लेती हैं, ये टैक्स लेना हिटलर और उन लोगों का काम है, ये इस्लाम का तरीका, ये टैक्स ले रहे, इस्लाम ने ज़कात का निजाम बताया है उस निजाम पे चले, फितरे का निजाम बताया है, वशर का निजाम बताया है, ये निजाम अगर पूरी तरह फाल हो जाए मेरे मुल्क में रात को भूखा कोई न सोए। आज ये टैक्स ले रहे पूछने पूछ भी नहीं सकते, पूछते हैं तो केस बड़ा छुड़ देने, कहां जा रहा है अरबों रुपए के टैक्स कहां जा रहे हैं, किधर को जा रहा है ये पैसा, रोजाना अरबों रुपए जमा हो रहा है ये कहां जा रहा है, किस पे खर्च हो रहा है, अलल्ले तलल्ले और अयाशियों पे, इसमें कसूर सिर्फ हुक्मरानों का नहीं है, मुसलमानों हम सब का भी है।
हमने आज तक इस्लाम के साथ वफा नहीं की है, हमने वफा नहीं की, हमने इस्लाम सिर्फ नमाजें पढ़ने को समझा, रोजे रखने को समझा, हमने इस्लामी निजाम के लिए कोशिश ही नहीं की है कि मलक में बसने मुसलमान है इनके लिए निजाम इस्लाम का होना चाहिए। काफिराना निजाम अंग्रेजों ने सीख लिया मुसलमानों से, अंग्रेज मुल्कों की मिसालें देते तो वो लाओ ना जो अच्छी बात है उसे लेके आओ ना, बेरोजगारी अलाउंस यहां मिलता है, बेरोजगारी अलाउंस तो दूर की बात, कुछ भी नहीं मिलता। मैं आगे चल के कल जवाब आया था इंतजामिया के एसओपी पे भी बात करे, वो भी बात करता हूँ इंशाअल्लाह, उसी के साथ इसको लूंगा। वलकनातीर अलमुकंदरा, हर जमा किए हुए माल किसके में, नज़हब वल फिज़्ज़ा, सोने और चांदी के बड़े अच्छे लगते हैं, ये माल बहुत अच्छी चीज है, फितरी मोहब्बत है, लेकिन हद से बढ़ जाए तो यही सोना चांदी इंसान की हलाकत का सबब बन जाता है। फितरत के मुताबिक चलना सीखना चाहिए, इससे बढ़ जाएंगे यही सोना चांदी हलाकत का जरिया बन जाएगी, नहीं बनती जी। औरत पे इनके नमाइश करती है, फिर उसका कान सोने की बालियों के लिए काट दिया जाता है, ये नमाइश करती फिरती है तो उसका बाजू काट दिया जाता है। 2005 के जलजले के कुछ दिल खराश वाकयात है जो आज भी कभी कभी दिमाग में आ जाते हैं तो हमें नींद भूल जाती है। उस वक्त अजीब हम मुसलमान हैं और हालात आए, मुर्दे सामने पड़े हैं, किसी ने मुर्दों के बाजू काट के सोना निकाला, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया, ये हालात भी तो उस वक्त हमने सुने थे। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। और वल खैल अल मुसव्वमा, और घोड़े निशान जदा, ये बड़े भले लगते हैं, बहुत अच्छे हैं। वल अनाम, मवेशी चौपाए, ये बहुत अच्छे लगते हैं, ये चौपाए मंझियां होवे, मड़ियां का बाड़ा होवे, मंझियां का फलाना होवे, बहुत अच्छा है, बड़ा भला है, तू इंसानियत के साथ चल, जानवर का भी फायदा, अवाम का भी फायदा, तेरा अपना भी फायदा। उसमें हमने दो नंबरियां शुरू कर दी, टीके लगा दिए जानवर के साथ ज्यादती। मैं वैसे नहीं कह रहा, हमने समझा दीन सिर्फ नमाजें पढ़ने का नाम है और रोजे रखने का नाम है, नहीं नहीं मेरी तेरी भूल है, असल दीन माशरत का नाम है, असल दीन मामलात का नाम है, मेरी तेरी माशरत और मामलात सफर पे हैं, मान ले इस बात को, तकबर करने की ना मुझे जरूरत ना आपको जरूरत, हम मान ले हम मामलात में सफर हैं, माशरत में हम सफर हो चुके। अल्लाह टीका लगाया जानवर से भी ज्यादती, जिनको दूध बेच रहे उनके साथ भी ज्यादती, तुमने उन्हें बताया कि हम तुम्हें ये जार पिला रहे, बताया बताओ ना, जार पिलाओ, बता के पिलाओ, ऐसे जार बताओ। बाहर मुल्कों की मिसालें देते हो तो बाहर मुल्कों में देखो, चाइना में जी जो चीज आपने बेचनी है प्रोडक्ट के ऊपर उन चीजों के नाम लिखने जरूरी है, अगर उनमें जो चीजें शामिल हैं उनके नाम ऊपर नहीं लिखे, बाद में साबित हुआ कि इसमें फलां चीज है, वहां इस जुर्म की सजा फांसी है, वहां मौत इस जुर्म की सजा। आज मुझे मार्केटों में बाजारों में क्या खिलाया पिलाया जा रहा है, कभी सोचा हमने, कभी सोचा बेचने वाला रहे खुश हो, हर जना दिल का मरीज, हर जना शुगर का मरीज, हर जना ब्लड प्रेशर का मरीज, कोई बीमारी भी नहीं है, टेंशन जरूर है कि नहीं, गोलियां ने थके खा के सहने, उदा जी फकीर तालब इन, हाँ जी अड़े के ला के सब कुछ गालना पैदा है, हाँ जी अभी चप्पर होया वो पता ही नहीं होता कितना, एक बुक खाने जिसकी गोलियों की और सौते हैं, कभी गौर नहीं किया, अल्लाह तो बदला ले रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही कैसे हमसे बदला लिया जा रहा है, दूसरों से मुनाफा कमा रहे हैं, एक एक टेस्ट आता फिर कितने लग गए होंगे, ये सोचने की बातें हैं सारी, फिर एक एक अस्पताल में हमारे जेब खाली किए जाते हैं, ये जो जिधर से हम कमाते हैं फिर उसी रास्ते पे हमारा पैसा निकल के जाता है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे, अल्लाह का वास्ता,
ये धोखेबाजी छोड़ दे, दोनबड़ी छोड़ दे, जो करना है डंके की चोट पे कर, मुनाफिकत। आज तो अल्लाह माफ करे, हमारा जिन काफरों से पाला पड़ा है वो काफर भी मुनाफिक है ना, और सिर्फ काफर होते तो बात होती, वो मुनाफिक काफर है। काफर भी हमें मुनाफिक मिले हैं जिनके दिलों में कुछ है ऊपर में। जी यूरोप की पार्लियामेंट में क्या हुआ है आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे। खुश होगी यूरोप, खुश हो गया? अरे मानो लातातिल मखलूक फी मासियतिल खालिक, अरे मखलूक तो खुश ना करना अल्लाह की नाफरमानी में, अल्लाह भी नाराज होंगे। लोगों के दिल अल्लाह के कब्जे, मखलूक को भी अल्लाह नाराज कर देगा, मखलूक को भी नाराज करेगा। आज तक तारीख इंसानी में जिसने काफरों को और लोगों को खुश करने की कोशिश की, लोग और काफर उससे कभी खुश नहीं हुए, याद रखना। और जिन्होंने अपनी सारी मेहनत का जोर अल्लाह रसूल को राजी करने पे लगाया, उनसे अल्लाह रसूल भी राजी, उनसे मखलूक भी राजी। अल्लाहु अकबर। और क्या हुआ? वलनाम मवेशी चौपाए, वलहर्स खेतियां। क्या खेतियां? ये खेतियां भी, और खेतियों वाले क्या करते हैं? वहां भी करप्शन, वहां भी दो नंबरी। ये अभी फसल लगाई नहीं है, पहले ही बेची होती है, ऐसे ही होता है ना। फसल लगाने से पहले मजहूल की बे नाजायज और हराम है, फसल लगी नहीं और बेच दी जाती है, ऐसा है कि नहीं है? काश्तकार और जमींदार बैठे होंगे, टमाटर बीत अंदरवाण में पता नहीं कस कस के इन पर कर्जे होते, इसलिए कारोबारों में खैर और बरकत उठ गई कि वो शरीयत के जी उसूलों और जाब्तों से हट गए हैं, शरीयत के मुताबिक चलते तो आज मार्केट में कभी मंदी ना होती, मार्केट में नुकसान कभी ना होता। और अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला ने फरमाया वलहर्स, और खेतियां और अनाम और ये सारी चीजें, ये क्या है? फितना है, फितना है। मुफस्सिरीन ने यहाँ पर एक जबरदस्त बात निकाली, खील कहते हैं काल कुल्लुम मिनहा फितनतुल लिन्नास, ये तमाम चीजें लोगों के लिए फितना है, ये तमाम चीजें जी फितनतुल लिन्नास, अमन निशा औरतें, ये तो तमाम के लिए फितना है। हद से बढ़ेगी इनकी मोहब्बत तो फिर आदमी इनके लिए गुनाह करेगा। और चादर भी आ रही है, मैंने पिछले जुमे भी गुजारिश की थी, ये बजट का महीना होता है मदारस का, तो इसलिए दिल खोल के तावन करें, अल्लाह ताला बदला देंगे, किसी से बदले की उम्मीद ना रखें। अमन निसा वल बुनून फितनतुल लिजमी लिलजमी, तमाम के लिए ये फितना है। वज़हब वल फिज़्ज़ा सोना और चांदी, फितनतुल लितुजार ये ताजरों के लिए फितना है, किसके लिए? ताजरों के लिए फितना है। वलखैल फितनतुल लिलमुलूक घोड़े बादशाहों के लिए फितना है। और वल अनाम और जानवर फितनतुल अहलिल बवादी देहातियों के लिए ये फितना है। फिर बकरिया से ईमान बेचते, हाँ जी बकरी के लिए त्रीमत तलाक कर दे, कर दे नहीं कर दे, हाँ जी आजकल तो कोई भी झगड़ा किसी से हो जाए त्रीमत तलाक, कोई गल ही नहीं, और त्रियां शर्ता तलाक, इस तो तले लेंदे ही नहीं जड़े दे पुत्र, तलाक करके फिर रखी होती है, नहीं होती, नहीं होती। तो यार एक और बड़ी शिद्दत के साथ सुनने में मसला आता है, हमला औरत हो ना उसको किसी खामन ने अगर तलाक दे दी, बेवकूफी कर ली, तो फिर क्या कहते थे? नहीं आती जी, बीमार है, नहीं होती, निकली गल है, देनी मनाए, हमल की हालत में तलाक देनी मनाए, हैज की हालत में तलाक देनी मनाए। तलाक देने के भी कुछ उसूल हैं, ये शरीयत का हुक्म है, तलाक मत दिया करो, तलाक से अल्लाह का अर्श हिल जाता है। ये गपे नहीं है, हजरत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हुजूर ने फरमाया तलाक भेजो, निकाह करो, वला तुतल्लिकु, तलाक मत दो, फैन तलाक यहतज़ मिन अर्शिर रहमान, तलाक अल्लाह के अर्श को हिला देती है। आज स्टार प्लस के ड्रामे देख दे, बीवियां छोड़ रहे हैं, बीवी भी माननी जी, उसकी जीव जीव भी लकद चफीरी है ना, तो जने भी माननी, अल्लाह ही हमारे हाल पे रहम करे, दोनों अपनी हुदूद से निकल गए, फिर आ जाते हमारा दिमाग खराब करने, नहीं होती जी, नहीं होती जी,
जड़ा आते नहीं होती तो जुलूस को निकाह बना लना। आ जाते हो हमारे पास, मैं आसान लफ्जों में समझाया करता हूँ, मेरे पास पिस्तौल हो, मैं मौलवी रजब शाह को पिस्तौल से गोली मारूं, जायज है मेरे लिए? नाजायज है ना, हराम है, लेकिन मैं मार लूं तो नहीं लगती? न समझो, मैं किसी मुसलमान को या आपके पास पिस्तौल हो, आप खाम मोहा पिस्तौल तान के मुझे गोली मारना चाहे तो आपके लिए जायज है? नाजायज है ना, हराम है, नहीं मार सकते। लेकिन अगर मार लें आप मुझे गोली, लगेगी कि नहीं लगेगी? गोली लगेगी कि नहीं लगेगी? या गोली लिहाज कर दीजिए, आराम आती है चूंकि न लगा जुल के। तू मुंह में जो जड़े अल्फाज बकवास निकालता है ना, वो इन दिनों में निकालनी हराम थी, तूने निकाल ली, लाके जाके लगेगी जरूर, लगेगी जरूर। निकाह कर दो तो तलाका के मसले भी सीखो। खामन बनने का शौक है तो जिन बातों से बीवी निकाह से निकल जाती है वो मसाइल भी सीखो। ताजर बनने का शौक है तो तजारत के मसाइल भी सीख। ये मौलवी का काम नहीं है, तुम्हारे तुम तजारत कर रहे हो, मौलवी नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूं, तजारत आप कर रहे हैं। तजारत के मसले आप पर सीखने फर्ज है। मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ, मुझ पे नमाज के मसले सीखने फर्ज है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप पे नमाज के मसले सीखने फर्ज है। दयाद समय से बैठे रहे तो सारी जिंदगी अल्लाह अकबर सीखो। इसी बात ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया। खामंद बन रहा है तो खामंद को निकाह और तलाक के सारे मसले आने चाहिए। टाइम निकालो ना, टाइम नहीं तो कटो किसी अल्लाह वाले के कदमों में जाके बैठो। फेसबुक वास्ते टाइम है, रामतोबा वास्ते टाइम है, इंडिया के स्टार प्लस देखने के लिए टाइम है, तुम्हारा फेसबुकों पे कमेंट लिखने के लिए टाइम है, उलमा की शलवारें निकालने के लिए टाइम है। इस कौम के पास टाइम नहीं है तो सिर्फ अपना दीन ईमान बचाने का टाइम नहीं है, अपने घर बचाने का टाइम नहीं है। 85% लोगों ने तलाक करके रखी हुई है घरों में। जा तहकीक कर, मेरी बात गलत हो तो मुझे आके बताना। पता ही नहीं होता किन बातों से बीवी निकाह से निकल जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरे तेरे हाल पे इस पर फिर कभी तफसीली बात करेंगे। ज़ालिका मताउ हयात दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी का मता है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, अल्लाह के पास बेहतरीन मर्जा और ठिकाना वो जन्नत है। अब अल्लाहु अकबर, जब इन चीजों की यूं किया, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये चीजें इनकी तो यूं मजम्मत आ गई तो इसके मुकाबले में क्या होगा, कौन सी चीजें होंगी? तो कुल, अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल ए मोहम्मद कह दो, अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, मैं तुम्हें इससे बेहतर चीजें ना बता दूं, आपको भी बता दूं, इससे बेहतर चीजें ना बता दूं। लिल्लज़ीना तक़ाउ, किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं। तकवा, अल्लाह से डरते हैं। क्या मतलब? अल्लाह की नाराजगी से डरते हैं, अल्लाह की नाराजगी से। मुत्तकी आदमी अल्लाह की नाराजगी से डरता है, सामने वाला बदमाश समझता है ये मुझसे डरता है। तो मियां, कोई किसी से नहीं डरता, सिर्फ मुत्तकी आदमी अल्लाह के नाराज होने से डर जाता है, अल्लाह के नाराज होने से। एक जमाने की बात है, शायद मैंने आपको सुनाई, जमात में हमारी तश्कील से अलकोट हो गई, सुबह से जोर तक कितनी मस्जिदों से हमें निकाल दिया गया, 6-7-8 मस्जिदों से। वो असर के बाद फिर हम असर से पहले बैठे थे, साथियों जी अमीर कौन है? अल्लाह की शान में ही जमात का जिम्मेदार था, तो मैं बाहर चला गया। वो साथी कहते, हो जी इतु बस जल्दी निकल जाएं यहाँ से, यहाँ ठहरने की इजाज़त नहीं है इंतज़ामिया। तो सुबह से निकाल रहे थे। मैंने साथियों से कहा, तबलीग थोड़ी देर रास्ते पर लटाएगी, और तबलीगे की गल नहीं, और मुझे जरा अपने रुख पे आना पड़ेगा। मैंने सर से टोपी उतारी, बामा खींची आई, मैं कहा बोल, और बोल, अगर ना निकलिया तो क्या कर सी? टोपी रखी दी है, तुम समझे जने को ले जाइए, हम पगड़ी और टोपी पहनते हैं, तुम समझ तो हमसे डरते हैं? खातर जमा रखना, हम अल्लाह से डरते हैं, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरे तेरे हाल पे रहम करे।
तो तकवे वालों के लिए क्या होगा? वो तकवा के हुआ तवज्जुल इल्लाह ताला वल आराज हम्मा सिवाहु, उनके लिए ये होगा इंदा रब्बे हैं, अपने रब के हां जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए बाग होंगे, नीचे नेरे बहती होगी, खालिदीन फीहा उसमें हमेशा रहेंगे, वज़वाजुम मुतहरा पाकीजा औरतें होंगी, सिर्फ पाकीजा औरतें किससे? जाहिरी बातनी उयूब से पाकीजा होंगी, जाहिरन हेज जी निफास और खूब क्या है नाक की रीछ जी गंदा जी और कानों में मेल कोई चीज नहीं, और बातनन खसत नहीं होगी, ये मैं तो उतो उतो जरा कहीं होगी दियोसी, पैसे ने जोरा पे रहें दियोसी, हाँ जी डरा नल रहें दियोसी, अंदर दिला भी हो सकते खसत हो गए, खसत वल गजब अंदर गुस्सा हो गए, उतो तला होई दियो भाई डरा नल के जड़े को पैसा बचे, हाँ जी तो पैसा को रहा तो जुलदा ना रहे, वह नजर इला गई रे अजवाज हिन्ना, इसे दुनिया में से बाहर निकली तो वो भी चंगा लग गए, इधर गच रही उधर गच रही, तो ओ वहां वाली अपने खावंद के अलावा किसी और पे उसकी निगाह नहीं जाएगी, और रिज़वानुम मिन अल्लाह इसके ऊपर अल्लाह की रजा भी होगी, वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद अल्लाह ताला अपने बंदों को देखने वाला है, ए अल्लज़ीन कौन है वो लोग यकूलून रब्बना आतिना, वो हैं जो कहते हैं हमारे परवरदिगार इन्ना आमन्ना हम ईमान लेके आए हैं, हम ईमान लेके आए हैं, और क्या कर फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, गुनाह तब माफ होंगे ईमान होगा, इसलिए पहले ईमान का तज़किरा कर दे, हम ईमान लाए हैं रब्बा हमारे गुनाह माफ कर दे, वक़ीना अज़ाबन नार हमें अज़ाब से बचा, आग के अज़ाब से, ये कौन लोग हैं? अब उनकी सिफात आ गई, अस्साबिरीन सबर करने वाले, तकलीफों पे मुसीबतों पे मुश्किलात पे हालात पे सारी दुनिया ताने दे बुरा कहे, अजो जी लोग के आखन में दाड़ी न रखता, लोग के आखन में शलवार रखने तो न करना, लोग जी डरने अल्लाह का खौफ नहीं, नबी का शर्म नहीं, न खौफ खुदा न शर्म नबी, ये भी नहीं वो भी नहीं, क्या होगा? आज लोगों की वजह से हमने दीन छोड़ दिया, लोग क्या कहेंगे? जाए भाड़ में लोग सादिकीन सच्चे हैं, सच्चे अपने अकवाल में भी नियतों में भी अज़ाइम में भी सच्चे होते हैं, ए नहीं दिला में कुछ होवे तो कुछ होवे, वल खानदीन और वल मुनफिकीन खर्च करने वाले, इस खर्च पे बात करो, खतरे के मुतल्लक कहते रहते ये बात अब वक़्त पूरा हो गया, मैं क्या करूँ कौन कौन सी बात करूँ, अल्लाह मेरे तेरे हाल पे रहम करे, सुन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस फितराना के मुतल्लक, हुजूर ने फरमाया सौम शहर रमजान, रमजान के जो महीने के रोज़े हैं मुअल्लकुम बैन अस्समाई वल अर्ज़, जमीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक रहते हैं, लटके हुए होते हैं, लटके देने वला युरफ़ाउ इला इल्ला बिज़कातिल फितर, सदका फितर के बगैर ये ऊपर की तरफ नहीं जाते, तो सदका फितर अदा करेंगे ना इंशाअल्लाह, सदका फितर के मुतल्लक उसूल याद रखना, कम अज कम इसकी मकदार 150 रुपया है, गंदम खजूर किशमिश, अब इससे हमें ये लगता है ये कम अज कम मकदार बता दी 150 रुपया, कम अज कम 150 से कम ना हो, उतर कोई जना कल जी फोन आया अजी हजरत मसला पूछना मैं पूछो जी फितराना, मगर फूना तो मसले दस्ता ना होता बारे चल मैं फितराना पूछती तू कौन है, था मौलवी फलाना फलाना, मखे अच्छा मखे वीरा कम अज कम 150 रुपये उत करोड़ रुपया चाह दे, मखे बिल्कुल मना नहीं, एक रोजे का करोड़ रुपया दे बिल्कुल ममाने अत नहीं है, अरब रुपया दे बिल्कुल ममाने अत नहीं है, ये क्या बात है 150 दस या 150 को एक भी उतना ना कर दो जने ने पुत्रों, 150 कम अज कम तरली मकदार में वी आई पी बनना, लेना में ना लगता हूं नमी वी आई पी हाँ, तो जदू खर्च की वारी आती उसे कोई भी जना वी आई पी बनना तैयार नहीं, बटीलना सारे वी आई पी है, सारे वी आई पी वी आई पी भी एक नवा कल्चर आया है ना जी, और देने वाले ऐसे ही वी आई पी पता नहीं कुर जुमते रहने, हाँ डूमा को देने अमन फिर वी आई पी होने आइए सुटते हैं आइए सुटते हैं, और हम तोबा होते हैं गलत राह होते हैं उधर सटते हैं, लेकिन दीन की कम अज कम 150 रुपया है, ज्यादा 200 दे 400 दे 500 दे 1000 दे 10000 दे, फी रोजा बता रहा हूँ कितना फी रोजा करोड़ दे करोड़, बिल्कुल ममानियत नहीं है ममानियत,
डेढ़ सौ भी कड़ा जना अफतारी कर दे, डेढ़ सौ की अफतारी होती है उसकी, बोल एक अफतारी से कम अज कम कितने रुपये लगते, खजूर भी होंगे हैं, हाँ जी फ्रूट का चाट भी आते जी, नाल चने का चाट भी आते, नाल पकौड़े भी होते, समोसे भी होते, पता नहीं क्या क्या बलाएं होती है, सब कुछ हड़म कर जाते। डेढ़ सौ रुपये भी अफतारी करने हैं टेमा पे, तो इतना दे कि जिसको देने कम अज कम उससे एक दो वेले की रोटी तो हो जाएगा, ये है कि और हर शे वो तो जल्दी है, सिर्फ फितरा नहीं तला आता ना, हर साल तला ही आता रहता है वो तो, और पाकिस्तान में हर शे पे महंगाई है, सिर्फ फितराना रोज बरोज। तो मैंने आपको बता दिया कम अज कम डेढ़ उससे ऊपर जितना कर दे। अगली बार इंतजामिया की तरफ से भी हुक्म आया था, और मंसरा इंतजामिया और जिली इंतजामिया और हमारे थाने से भी कि लोगों को एस ओ पी का कहो। इस पे मेरा दिल दुखता है, हम एस ओ पी लोगों को कोरोना आने से पहले का कह रहे, लेकिन कौम समझी नहीं है, कौम की समझ में नहीं आई। ये फकीर कोरोना आने से पहले ही आयते पढ़ा करता था, वकर नफी बयोते कुन्ना, वकर नफी बयोते कुन्ना, औरतों से कहो घर में रहे, ये मेरे रब का हुक्म था। मिन खैसल कौम, हमने कहा मनाने आइया लगे दिन, इनको के पता है दुनिया कुछ पहुंच गई, वीरा ना होना नल तू चना देंगे ना असन नल बैठ के तू अला बने, ना कुरान पढ़िया ना हदीस पढ़ी ना मस्जिदा में बैठे, ना तू चना देंगे किड़े टाएंगे तू दरमियाना में, ना उधर आए तो ना इधर आए, अल्लाह ही हमारे हाल ना तो चना दे गए वीरो आज तक ना दे गया कोई पाकिस्तानी चना दे गए ताने देना तैयार है नहीं, बाकी घेरा कोई ना रखिया, कोई कर आए नमाया इंजाम ना दिया, मुल्क का नाम रोशन ना किया, क्रिकेट में नाम रोशन कर दे किस भी खेड़ा में, जिसकी मुजम्मत अल्लाह ने कुरान में बयान की, अहादीस में बयान की, उसमें नाम रोशन कर सा सी। हम तो कहते रहे वकर नफी बो से कुन्ना, घरों में रहो, किसी ने ना सुनी, आज उसका सिला भुगतो। हम कहते रहे ओए दुनिया लो ये राती मार्केटा बंद करो, जी वजालन लैल लिबासा वजालन नहार माशा, फकीर आए से सुनाता रहा, कौन वालों ने न सुनी। हम कहते रहे रात अल्लाह ने पर्दे की चीज बनाई है, दिन को माश का जरिया बनाया है, हमने न मानी, अल्लाह सुना गया खल ए जी शेब ऐसा न दिहाड़ी खोल सो तो न राती खोल सो, कह रहे दिहाड़ी भी बंद करो, आ गया ना आर्डर बंद कर अब दिहाड़ी भी। हमने कहा था रात या तो अल्लाह की इबादत कर या सो के गुजार, किसी ने न सुनी, अल्लाह की तरफ से ऐसी बीमारी भेज दी, आज हर एक डंडे के जोर पर हमसे अब दुकानें भी बंद करवाई जाएंगी। मैं पीटता रहा एक जमाने तक, मुझे पता है वक्त ऊपर जा रहा है, पता नहीं फिर रमजान मिले न मिले, ऊपर जा रहा है। आखिरी बात गुजारिश करके अर्ज, आखिरी हदीस सुना के बाद खत्म करता हूँ। मैं पीटता रहा अहादीस सुनाता रहा, चांद रात या पे सह के गुजारो या अल्लाह की इबादत में गुजारो, नहीं इबादत करते सो जाओ, बाजारों में मत जाओ। और समझ आई, ये सुनाता रहे हदीस या ना सुनाता रहे, आज फिर सुनो ताजी हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह अन्हु रावी हैं, कहते काल मन काम लैलतेल ईदैन, जो शख्स ईदों की रातों में खड़ा हो जाए मुहतसिबन, अपना इख्तिसाब करते हुए और अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखते हुए, लम यमुत कल्बुहु, नहीं मरेगा उसका दिल, यौम तमूतुल कुलूब, जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे उस दिन इसका दिल जिंदा रहेगा। अल्लाह मुझे तुझे समझ अता करे। तो एसओपी पर अमल दरामद अब करना पड़ेगा, आप भी अमल करें, मैं भी अमल करूं। मिन खैसल कौम, हमने अल्लाह के अहकाम का मजाक उड़ाया। मैं कौम से भी कहता हूँ, हुक्मरानों से भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, हम सबको तौबा की जरूरत है। मिन हैसल कौम तौबा, हम तौबा करें, इजमाली भी तफसीली भी दोनों तौबा की जरूरत है।
फिर पूछ लेना इजमाली क्या होती है, तफसीली क्या होती। जब तक इजमाली हो तफसीली तौबा हम नहीं करेंगे, हमारे हालात नहीं सुधरेंगे। अल्लाह मेरे तेरे हाल पर रहम करे। अशार फिर सुनाने थे, आज भी रह गए, बाकी रह गई बात। फितराने का मसला भी हो गया, एस बी का मसला भी हो गया, तो इसलिए घरों में रहो। हजरत हाय हाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, मन नजात, नजात क्या है? हुजूर ने फरमाया अमले काले का लिसान है, अपनी जबान को काबू में रख, रोक के रख। हर गलौते जी कमिट करने कोई फर्ज नहीं है, बिल्कुल जबान को रोक के रख, जिसे तुझे पता ही नहीं उस बात के बारे में मत बोल। दूसरी बात, और वलयसा कबई तक, तेरा घर तुझे कफायत कर जाए, घरों में रहो, कोई जरूरत नहीं। तो पुराने कपड़े तोते दे होए ना, उन्हें भी ईद हो गई थी। अच्छा बिल्कुल कोई नहीं आड़ के देख के ये करदा जी पुराने या नवे जी, बिल्कुल ईद हो गई थी। ये अपने दिमाग से खन्नास निकाल दे के कपड़े नवे नए तो ईद नो सी। ईद उनकी होती है जिनका रमजान ईद की तरह गुजरता है, खुशियों में गुजरता है, उनकी ईद होती है। असल जी के ईद है, के रोजे तक के ईदा। अल्लाह मेरे तेरे हाल पे रहम करे। तो इसलिए क्या बात कह रहा था, हाँ, और तीसरी बात, वब के अला खतियत, अपने गुनाहों पे रो, पिछले गुनाहों की माफी मांग, और जब माफी का यकीन हो जाए कि अब इंशाल्लाह माफ हो गए, अब उनका तज़करा छोड़, अपने हाल को दुरुस्त कर, मुस्तकबिल की फिक्र छोड़। वो मेरे रब के इख्तियार में, ना तुस्त इख्तियार में है, ना मड़े है, ना हुक्मराना ने कसर इख्तियार में, मुस्तकबिल नहीं है, वो हमारे रब के इख्तियार में है। जिस हाल से गुजर रहे हैं इस हाल को दुरुस्त करने की कोशिश करें। अल्लाह हामी और नासिर हो, मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। और मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ऐलान करेगी, उसके मुताबिक जमेरात ईद आ गई, 29 पे चांद नजर आया तो जुमेरात हो जाएगी, नहीं तो आइंदा जुमा होगी। इंशाल्लाह हम ईद की नमाज 8 बजे पहुंचाएंगे ना, इंशाल्लाह 8 बजे, ठीक है ना। इंशाल्लाह छोटी ईद की नमाज जितनी ताखीर से पढ़ो इतनी मसनून है। अच्छा छोटी ईद की नमाज जितनी ताखीर से पढ़ी जाए इतनी मसनून है। तो इसलिए आप 8 बजे इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। और साथी आए हुए, हर साल ये जुम्मतुल विदा मैंने इनको बताया हुआ है, अपने हाय हाय पारस से, पारस में मदरसे अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको काजी बशीरुल हक साहब थे, जामिउल माकूल वल मनकूल, शेहुल हदीस व तफसीर, अजीम इल्मी शख्सियत थे। उनका इदारा कायम है, कई दफ़ा वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। अल्लाह ताला इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात अता फरमाए। तो आप में से कोई उनके साथी बाहर आए हुए तो हजरत तो चले गए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। और पीछे मुकाबले में कुफर भी है, वहाँ उन हालात में अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह इन नौजवान उलमा की मेहनतों को कबूल फरमाए, और चार दांगे आलम में इनका समरा आम फरमाए। और जाता जाता रमज़ान है, मेरे उस्ताद मुहतरम आज ही मुझे फ़ोन आया, मेरे इलम में नहीं था। उस्ताद मुहतरम आप में से भी बहुत सारों के शायद उस्ताद हों स्कूल के, जनाब मुहतरम मुबारक शाह साहब वो शदीद बीमार हैं। तो मैंने कहा, मेरे दिल को दुख लगा, चूँकि क्या होता है दुनियावी और जिस्मानी जो बाप होता है इंसान को ऊपर से नीचे लाता है, और जो रूहानी उस्ताद होते हैं ना जिनसे हम कुछ सीखते हैं, वो इंसान को जिस्मानी बाप ऊपर से नीचे लाता है, और रूहानी उस्ताद और बाप ये ज़मीन से इंसान को आसमान पे पहुंचाता है। तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला आजला। नमाज के बाद दुआ करेंगे, जल्दबाजी न करें जी, जल्दबाजी अल्लाह से मांगेंगे। जाता जाता रमज़ान है तो इंशाल्लाह, ठीक है ना, इंशाल्लाह। और ये साथियों के साथ दारुल उलूम इस्लामिया पारस में उनके साथ भरपूर तावन करें। वाखिरु दावाना Allah